हेलो फ्रेंड्स, इस वीक बाकी रेहान का नया चैप्टर रिलीज किया गया और इसने हमें कुछ दिलचस्प मोमेंट्स दिए, इसलिए हम इस वीडियो में उनका एनालिसिस करेंगे। जहां पिछले चैप्टर में हम जैक हानमा और कोशो शिनोगी के बीच लड़ाई के रिजल्ट्स देख सकते थे और हमने देखा कि कैसे कोशो बाइटिंग साइबोर्ग के हाथों मिली करारी हार से उभरने में कामयाब रहा और कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि लड़ाई के अगले ही दिन कैसे कोशो ठीक हो गया, जैसे कि उस जबरदस्त पिटाई का उस पर जरा भी असर ना हुआ हो। और इस वीक का चैप्टर हमें टोकुगावा की हवेली दिखाने से शुरू होता है। जाहिर है उस दिन बूढ़े टोकुगावा के पास मेहमान आए थे और एक बार जब हम इस बड़ी हवेली में एंटर करते हैं तो हम बाकी हानमा को बूढ़े टोकुगावा से बातचीत करते हुए देख सकते हैं और टोकुगावा ने यंग फाइटर से ये पूछकर बातचीत शुरू की कि क्या उसे विश्वास है कि वो जैक के खिलाफ लड़ाई में जीत सकता है, जिस पर बाकी एक वक्त के लिए रुकता है और अपने आंसर के बारे में सोचते हुए वो उस जगह की छत की ओर देखने लगता है और कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है, मानो बाकी को पता ही ना हो कि वो क्या जवाब दे। फिर मिशनरी अपने पाइप को जलाने के लिए बाकी के रुकने का फायदा उठाता है और कुछ वक्त के बाद बाकी उनके क्वेश्चन का आंसर देने का डिसीजन लेते हुए कहता है कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी तक इस नए जैक की पूरी क्षमता नहीं देखी। फिर मिशनरी तुरंत जवाब देता है कि जैक को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आदमी रिजल्ट्स की परवाह किए बिना सिर्फ एक चीज जो उसके लिए मायने रखती है उसकी परवाह करता है, जो है सिर्फ मजबूत बनना। और बाकी भी इससे सहमत होता है, जहां जैक वास्तव में एक योद्धा है जो सिर्फ मजबूत बनना चाहता है और जीतना चाहता है, फिर चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो या दूसरे कुछ भी कहें। हालांकि बाकी का सोचना है कि जिस दिन जैक ने अंडरग्राउंड एरिना में नोमिनो सुकुने को हराया था तब वो बहुत खुश लग रहा था और उसे खुद पर बहुत गर्व था, और ये अजीब था क्योंकि इससे पता चलता था कि वह अपनी जीत से कितना खुश है और ऑडियंस से उसे जो तारीफ मिल रही थी वो जैक हानमा की आत्मा को नरिश कर रही थी, क्योंकि वो इतना खुश दिखाई दे रहा था कि उसका क्रिटिकल बिहेवियर भी उसकी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। और मिस सुनरी ने कंफर्म किया कि उसने भी उस दिन उस पर ध्यान दिया था क्योंकि जैक वास्तव में ही खुश लग रहा था और वो अलग भी लग रहा था क्योंकि पिछले का जैक आमतौर पर दर्शकों की एनकरेजमेंट पर ध्यान नहीं देता था। फिर बाकी ये भी मेंशन करता है कि उसके भाई जैक के साथ सभी लड़ाके अपने एफर्ट और डेडिकेशन के लिए इनाम चाहते हैं और ये इनाम दूसरे से वैलिडेशन और प्रशंसा में बदल जाता है। हालांकि बाकी मानता है कि जैक और उसके लिए अपने फादर की एक्सेप्टेंस मिलना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाकी एक्सप्रेस करता है कि वो अपने फादर से एक्सेप्टेंस के शब्द सुनने के लिए कोई भी जरूरी सेक्रीफाइस देने को तैयार है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके फादर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो दुनिया के सबसे मजबूत आदमी और सबसे अच्छे फाइटर है जिन्हें वो जानता है। और मिशनरी कहता है कि उन्होंने नोमी को हराने के बाद जैक के जोरदार विल पावर को भी महसूस किया था, लेकिन उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि उन्होंने बाकी के साथ भी वही इमोशन शेयर किया था। फिर बूढ़ा मिशनरी अपने पाइप से एक बड़ा कश लेता और ये सारा धुआं छोड़ते हुए कहता है कि उसके इस बिहेवियर की वजह उसके लिए काफी सिंपल है और उसका कहना है कि बाकी और जैक दोनों के लिए जो दूसरे उनके बारे में सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें नेगेटिव कमेंट्स की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वो है उनके पिता को ऑनर महसूस कराना। फिर अगले ही पल हमें शिनशिन काई डोजो दिखाया जाता है और अंदर प्रसिद्ध डोपो ओरोची होते हैं जो अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट पोशाक पहने हुए और अपने बाएं हाथ में एक प्लास्टिक बैग पकड़े हुए हैं। फिर वो अनएक्सपेक्टेड रूप से एक बैग को हवा में उछाल देते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे उनका बेटा कासुमी भी है। फिर डोपो बैग के साथ अपना मनोरंजन शुरू कर देते हैं और उसे लटकाए रखने के लिए अपने पैरों का यूज करते हैं और उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया था कि कैसे एक शॉपिंग बैग जैसा सिंपल ऑब्जेक्ट भी एक्सीलेंट ट्रेनिंग टूल बन सकता है। और जैसे ही वो अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद करते हैं वो कहते हैं कि अच्छे दृष्टिकोण के साथ वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर कासुमी अपने पिता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक अच्छे स्पीकर हैं और उन्हें मार्शल आर्ट पर फोकस्ड एक चर्च मिल सकता है और डोपो इस टिप्पणी से थोड़ा नाराज होते हैं लेकिन इसे सहजता से ले लेते हैं। फिर बाद में उसी दिन हम एक शानदार होटल के बाहरी हिस्से को देख सकते हैं और इस बार हम उस इमारत को देखते हैं जो फाइनल फाइट के दौरान यूजीरो और बाकी की लड़ाई का प्लेस था और यहाँ हम उसी रेस्टोरेंट और उसी वेटर को देख सकते हैं जिसने उस मौके पर बाकी और यूजीरो को सर्विस दी थी, लेकिन इस बार उस रेस्टोरेंट में यूजीरो के साथ बाकी नहीं बल्कि जैक हानमा था, जहाँ यूजीरो ने एक ब्यूटीफुल शर्ट पहन रखी थी और वो बहुत अच्छी तरह से तैयार भी थे और वो जैक से पूछते भी है कि उसकी आंख कैसी है और ये उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि जैक ने उस जगह काला चश्मा पहन रखा था जो अनयूजुअल है क्योंकि धूप का चश्मा दिन में पहना जाता है रात में नहीं, और ये हिंट करता है कि वो अभी भी अपनी आंखों से उभरने के प्रोसेस में है और वो अभी भी कोड कटर कोशो शिनोगी के खिलाफ अपनी लड़ाई के साइड इफेक्ट्स को झेल रहा है। और यूजीरो जैक से कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। फिर उसी वक्त जैक इमीडिएटली अपने पिता से माफी मांगता है जबकि हम देख सकते हैं कि उसे पसीना आने लगा है और उसे अपने पिता के साथ खाने खाने की आदत नहीं है और उसे अर्थ के सबसे शक्तिशाली प्राणी के साथ
टेबल शेयर करने में बहुत तनाव महसूस हो रहा है। फिर युजीरो जैक को थोड़ा आराम करने और समय समय पर कुछ नरम खाना खाने के लिए कहता है और इसी तरह ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। खैर इस चैप्टर ने हमें बाकी का उसके भाई जैक के बारे में नजरिया दिखाया और ऐसा लगता है कि बाकी को पूरा यकीन नहीं है कि वो बाइटिंग साइबॉर्ग को हरा सकता है, बावजूद इसके कि वो उसकी पिछली दो लड़ाइयों में मौजूद था। ऐसा लगता है मानो उसे परफॉर्म करते हुए देखने के बाद भी वो अभी भी ये समझ नहीं पाया कि ये विशालकाय बीस्ट आखिर क्या करने में सक्षम है। और ऐसा नहीं है कि बाकी पोलाइट हो रहा है, बल्कि उसमें ऐसा दावा करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अगले वीक हमारे पास एक नया चैप्टर होगा जिससे हमें और भी ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा, इसलिए अगले एपिसोड का एनालिसिस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव अ नाइस डे एंड नाइट। सी यू सून।